वेलकम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी को डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हम 6 लेक्चर इस चैप्टर के पहले ले चुके हैं और अभी उस लिहाज से देखा जाए तो ये 7वां लेक्चर है और ओवरऑल ये सीरीज़ में 11 लेक्चर बन रहे थे। तो इसमें आप देखें कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को हमने डिस्कस करना है। तो ऑपरेटर्स की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले मैं क्विक रिव्यू ले लेता हूँ कि ऑपरेटर्स को हमने डिफाइन किया था, भाई ये कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जो कि ऑपरेंड्स के ऊपर एक्ट करते हैं। ऑपरेंड मींस के वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास इक्वेशन है ए प्लस बी, तो उसमें प्लस जो है वो ऑपरेटर होगा और ए और बी जो हैं वो ऑपरेंड होंगे। तो वो क्वांटिटीज होती हैं कि जिनके ऊपर ऑपरेटर्स एक्ट करते हैं और ओवरऑल इस पूरी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, फिर लॉजिक रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स और फिर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो एक छोटी सी बात यहाँ पे आप ये देख लें भाई, ऐसे ऑपरेटर्स के जो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर एक्ट करते हैं उन्हें हम यूनिटी ऑपरेटर्स कहते हैं। मींस के जनरल जो यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स हैं जैसे प्लस माइनस वगैरह, वो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं क्योंकि वो दो ऑपरेटर्स के ऊपर एक्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेटर्स भी हैं जो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर एक्ट करते हैं और उनको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आप देखें यूनरी माइनस है, फिर ऐड है, फिर सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और फिर रिमाइंडर ऑपरेटर है। तो यहाँ पे ये जो माइनस साइन दो दफ़ा आए हुए है, तो फर्स्ट जो माइनस साइन है ये यूनरी माइनस है। यूनरी माइनस मींस कि ये एक ऑपरेंड के साथ यूज़ होगा। मिसाल तौर पे जैसे हम माइनस वन लिखते हैं, माइनस टेन लिखते हैं इस तरह, तो या माइनस एक्स लिखते हैं, तो इसको यूनरी क्यों कह रहे हैं? वजह ये भी क्वान्टिटी के साथ कोई सिंबल ना हो तो वो पॉजिटिव ट्रीट होती है वो क्वांटिटी, लेकिन अगर माइनस साथ लगा दिया जाए चेंज कर रही है तो यानी उसके ऊपर माइनस ये एक्ट कर रहा है, तो इस वजह से फिर हम इसको क्या कहेंगे, यूनिटी माइनस। इसी तरह फिर प्लस माइनस और एस्टेरिक जो है ये मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है और फिर स्लैश डिवाइड के लिए। रिमाइंडर ऑपरेटर जो है या मॉडुलस ऑपरेटर भी ऐसे कहते हैं, तो ये यूज़ होता है असल में दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड करके तो उनका रिमाइंडर रिटर्न करने के लिए। मिसाल के तौर पे 13 रिमाइंडर 2, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 होगा। तो ये याद रखें भाई, रिमाइंडर या मॉडुलस ऑपरेटर जो है ये आंसर रिटर्न करने के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि ये रिमाइंडर रिटर्न करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि कुछ एग्जांपल्स ली गई हैं यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो इसमें आप देखें कि यहाँ एग्जांपल्स इस तरीके से लिखी गई हैं कि आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया हो जाएगा भाई, किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप जब सी के अंदर लिखते हैं तो वो कैसे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल में आप देखें तो 5/9 और इनटू एफ माइनस 32 लिखा हुआ है, तो इसको जब आप सी लैंग्वेज में लिखेंगे तो विद इन पैरेंथेसिस एफ माइनस 32 लिखेंगे, उसके बाद एस्टेरिक और 5/9। इसी तरह आप नंबर टू एग्जांपल में देखें कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर को जो है वो हम सी लैंग्वेज में इस तरह आमतौर पे लिखते हैं कि ए इंटू ए। इसी तरह प्लस सिंबल एज इट इज़ आएगा,
फिर बी इंटू बी आएगा और इसी तरह टू ए बी, क्योंकि वो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस वजह से टू इंटू ए इंटू बी आएगा। नंबर थ्री देखें, फोर ओवर थ्री है और पाई आर स्क्वायर, तो फोर स्लैश थ्री लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और फिर पाई की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे और फिर आर को जो है ये एक्चुअली यहाँ पे आर क्यूब था आई थिंक सो, ये बाय मिस्टेक स्केयर लिखा गया, तो इस वजह से यहाँ थ्री टाइम फिर आर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर फोर में आप देखेंगे अंडर रूट ए प्लस बी ओवर टू माइनस सिक्स है, तो इसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन या रेडीमेड किस्म का एक जो लाइब्रेरी फंक्शन है वो प्रोवाइड किया गया है सी लैंग्वेज के अंदर, तो एस क्यू आर टी उसका नाम है, तो उसको हम यूज़ करेंगे और इस अंडर रूट के अंदर जो जो कुछ एक्सप्रेशन इसके अंदर लिखा हुआ है उसको विद इन पैरेंथेसिस लिखेंगे, यानी ए प्लस बी ओवर टू यानी स्लैश टू माइनस सिक्स और फिर इस होल का एस क्यू आर टी हम करेंगे, तो एस क्यू आर टी जो फंक्शन है ये इसके रूट निकालने के लिए यूज़ होता है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर पहले विद इन पैरेंथेसिस ये कैलकुलेशन होगी और उसके बाद फिर ओवरऑल उसका एस क्यू आर टी निकलेगा। नंबर फाइव एग्जाम्पल में देखें अंडर रूट बी स्केयर माइनस फोर ए सी, तो इसी तरह इन द सेम वे यहाँ भी एस क्यू आर टी यूज हुआ है और इसी तरह बी इंटू बी माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर आपस में करने के लिए। इसमें आप देखें कि एक्सप्रेशंस जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, तो यानी दो कॉन्स्टेंट्स को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स को भी कर सकते हैं, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को भी कर सकते हैं और फिर दो फार्मूलाज को भी कर सकते हैं। तो अभी देखें ऑपरेटर जो है फर्स्ट ऑपरेटर है ये ग्रेटर देन है, इसी तरह ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर और इक्वल, फिर लेस और इक्वल है, फिर इसी तरह इक्वल टू है, ये डबल इक्वल का जो साइन होता है ये सी लैंग्वेज में इक्वल के लिए यूज़ होता है। याद रखें जो सिंगल इक्वल है वो इक्वलिटी चेक करने के लिए नहीं होता, वो कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है, वो वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है और उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में लेते हैं। तो ये नेक्स्ट ऑपरेटर है ये नॉट इक्वल है, इस तरह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इक्वल, तो ये नॉट इक्वल है। तो एग्जांपल्स कुछ ली जा रही हैं यहाँ पे, अब देखें कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, इसी तरह वाई नॉट इक्वल एक्स, फिर एक्स इक्वल इक्वल जेड है या नहीं है इसको चेक कर रहे हैं, फिर जेड ग्रेटर और इक्वल वाई। तो ये याद रखें भाई कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन जो होता है तो उसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स, तो मीन्स के एक्स इक्वल इक्वल जेड है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट देखें लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास आर यूज टू मेक कंपाउंड कंडीशंस या कंपाउंड कंपैरिजंस। द कंडीशन इन विच टू आर मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस आर कंपेयर्ड इज कॉल्ड कंपाउंड कंडीशन। तो इससे पहले जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने देखे थे तो समटाइम ये होता है भी हम किसी एक ही एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा कंडीशंस चेक करना चाहते हैं, उस केस में एक से ज़्यादा, और उनको हम कंबाइन करने के लिए फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे लॉजिकल एंड और आर जो है ये यूज़ होते हैं एक कंडीशन को एक्सटेंड करने के लिए या एक से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखने के लिए एक ही लाइन पे, दरमियान में एंड या आर आ जाएगा
नॉट ऑपरेटर जो है वो सिंपली किसी कंडीशन को रिवर्स करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके भी जो आउटपुट आती है लॉजिकल एक्सप्रेशन की, वो भी ट्रू या फॉल्स की शक्ल में आती है। तो इन ऑपरेटर्स का इनकी लॉजिक मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि नॉट जो है वो तो किसी कंडीशन को रिवर्स करने के लिए यूज़ होता है, एंड ऑपरेटर जो है वो दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करने के लिए यूज, दो एंड आएगा तो उसके लेफ्ट और राइट पे जो दोनों एक्सप्रेशंस मौजूद हैं या दोनों कंडीशंस मौजूद हैं उनका ट्रू होना ज़रूरी है दोनों का। तो अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो तब ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो रिज़ल्ट ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा एंड के केस में। इसी तरह और जो है और के दोनों साइड पे जो कंडीशंस होंगी तो उनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो ओवरऑल रिज़ल्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड्स ये कह सकते हैं कि एंड के केस में अगर आप दो कंडीशंस ले रहे हैं तो दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है ओवरऑल एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट के ट्रू होने के लिए, और के केस में अगर दो कंडीशंस आप ले रहे हैं तो दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगी तो ओवरऑल रिज़ल्ट ट्रू हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास ये यहाँ पे एग्जांपल ली जा रही है, एक्स की वैल्यू सपोज करके 10 हमने ली है, वाई की 15 ली है और जेड की 20। तो अब फर्स्ट एग्जांपल में देखें भाई, अगर हम ये चेक करें भाई एक्स इज़ ग्रेटर देन 5 एंड वाई इज़ लेस देन 3, तो इसमें आप देखें कि पहले जो है इसमें रिलेशनल जो एक्सप्रेशंस हैं उनको चेक किया जाएगा। रिलेशनल एक्सप्रेशंस को पहले क्यों चेक किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, इसमें भी आप देखें कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हैव हायर प्रेसिडेंस देन लॉजिकल ऑपरेटर्स, देयरफॉर इन ए कंपाउंड एक्सप्रेशन रिलेशनल ऑपरेटर्स मस्ट बी एवेल्यूएटेड फर्स्ट। क्योंकि तरतीब के लिहाज से रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो पहले सॉल्व किए जाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, तो इस वजह से इस एग्जांपल के अंदर एक्स इज़ ग्रेटर देन 5 और वाई इज़ लेस देन 3 पहले एवेल्यूएट किया जाएगा, चेक किया जाएगा, और उसके बाद फिर लॉजिकल ऑपरेटर को एवेल्यूएट किया जाएगा। तो आप देखें कि एक्स इज़ ग्रेटर देन 5 अगर हम देखें तो एक्स इज़ ग्रेटर देन 5 नहीं है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 10 है। इसी तरह वाई इज़ लेस देन 3 अगर हम देखें, लेस देन 3 भी नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन जो हैं वो फॉल्स हो रही हैं। तो एंड के केस में जो है वो कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो रिज़ल्ट हमारा फॉल्स आता है, तो यहाँ तो दोनों ही फॉल्स हो रही हैं, इस वजह से रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। नेक्स्ट वन आप देखें कि ये क्या लिखा हुआ है, नॉट नॉट एक्स इज़ लेस देन जेड, कि वाई लेस देन जेड नहीं है। तो देखें नॉर्मली वाई जो है वो लेस देन जेड है, क्योंकि वाई 15 की इक्वल है और जेड 20 की इक्वल है, लेकिन क्योंकि नॉट पहले लग गए तो इसलिए कंडीशन जो कि वैसे ट्रू होनी थी अब फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि नॉट की वजह से रिवर्स हो गई। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में आप देखें तो नॉट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अब आप देखें कि जो है वो वैसे नहीं है, लेकिन नॉट की वजह से कंडीशन रिवर्स हो जाएगी तो ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन। वैसे एक्स इज ग्रेटर देन वाई फॉल्स है, लेकिन पीछे नॉट लगने की वजह से ये ट्रू हो जाएगी। फिर आप देखें कि वाई इज लेस देन जेड, तो वाई जो है वो लेस देन जेड है, ठीक है, ये भी ट्रू है। जेड इज ग्रेटर देन 10, तो ये भी ट्रू है। तो आप देखें कि इन ऑल केस जो है ये, तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ भाई, ये जिस तरतीब से
ये ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो ये इसी तरतीब से प्रोसेस किए जाते हैं। सबसे पहले नॉट को सॉल्व किया जाता है, फिर एंड को किया जाता है, फिर और को किया जाता है। तो नॉट के लिए हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं, और एंड के लिए डबल एम्परसेंट। इस साइन को वैसे तो एंड कहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो एक्चुअल इसका नाम है वो एम्परसेंट इसको कहा जाता है। तो डबल एम्परसेंट जो है ये एंड ऑपरेटर है, और ये डबल पाइप साइन या फिल्टर साइन ये और के लिए। उसके बाद फिर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आप देखें, बेसिक जो असाइनमेंट ऑपरेटर है सी लैंग्वेज के अंदर, वो इक्वल साइन है, सिंगल इक्वल। तो सिंपली ये अंदर किसी कांस्टेंट की वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये कंबाइन होके कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ तो कुछ एडिशनल ऑपरेटर्स बनाता है, जिनको हम कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। एक्स प्लस इक्वल 9, तो एक्स प्लस इक्वल 9 असल में एक सिंपल एक्सप्रेशन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 का अल्टरनेटिव है। तो यानी क्या किया जाता है कि एक्स प्लस इक्वल 9 से पहले एक्स की ओल्ड वैल्यू में 9 को प्लस किया जाएगा, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको फाइनली एक्स में स्टोर कर दिया जाएगा। तो इसी तरह एक्स माइनस इक्वल टू है, यानी पहले एक्स की ओल्ड वैल्यू में से 2 माइनस किया जाएगा और फिर फाइनल रिजल्ट एक्स में स्टोर कर दिया जाएगा। इन द सेम वे एक्स एस्टेरिक इक्वल 7, तो एक्स की जो ओल्ड वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 7 को, और फिर फाइनल वैल्यू एक्स में स्टोर की जाएगी। तो बाकी दोनों भी इसी तरह हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल्स देखें कि सपोज एक्स इज इक्वल टू 10 एंड वाई इज इक्वल टू 5, देन एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 5 है। तो आप देखें कि अगर हम ये एग्जांपल लें कि एक्स प्लस इक्वल 3, तो एक्स की ओल्ड वैल्यू 10 है, तो उसमें 10 में पहले 3 प्लस होगा और फिर एक्स की ओल्ड वैल्यू 10 ख़त्म हो जाएगी और उसकी जगह पे 13 स्टोर हो जाएगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में आप देखें कि वाई परसेंटेज इक्वल 3 है, तो पहले जो है वाई की जो ओल्ड वैल्यू है उस पे डिवाइड किया जाएगा 3 को, तो जो रिमाइंडर आएगा यानी 2, तो वो y की ओल्ड वैल्यू की जगह स्टोर हो जाएगा। तो यानी फाइनल जो रिमाइंडर कैलकुलेट हो रहा है वो y की ओल्ड वैल्यू 5 को ख़त्म कर रहा है और उसकी जगह पे खुद स्टोर हो रहा है। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। तो कुछ ऑपरेटर्स और रह गए हैं, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।